पर वो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि तुरंत आने के बाद ही आपको इस तरह से कुछ बात बन गई हो। और वो वक्त जब मैं आया था तब तो बड़ा ही ऐसा वक्त था कि सिनेमा में काम करना बहुत दूर की बात हुआ करती थी, तिलस्मी सी नगरी लगती थी मेरे को, कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि एक मेरे मित्र हैं आशुतोष गर्ग, उनके भाई ज्ञान भाई, तो उन्होंने एक दिन मेरी मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि काला भाई अगर तुम्हें बॉम्बे में जमना है ना तो गुरु एक बात याद रखो, 1 जून को ट्रेन पकड़ो, 2 जून को पहुंचो, तो कम से कम आपको 2 जून की रोटी तो मिलेगी। मैंने कहा अच्छा हाँ, तो मैंने सेट कर लिया, मार्च अप्रैल में जा कर के टिकट बुक करा दी 1 जून की, फ्रंटियर मेल मथुरा से बॉम्बे। बीच में कई मौके आए कि बॉम्बे चलो बॉम्बे, मैंने कहा नहीं टिकट बुक है मेरी, तो बोले कि हाँ तो अभी कब की है, मैंने कहा 1 जून की, अरे हम अभी चल रहे हैं यार, मैंने कहा नहीं हमें नहीं जाना, हम तो तभी जाएंगे सीधे 1 जून को, ताकि 2 जून की रोटी नसीबो नसीब हो। वो थिएटर नीचे नीचे आ जा भाई, देख रहा है बालकोनी वाला भी तेरे को अच्छी तरह से।